आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक विशेष दिन जिसे हम जन्मदिन, जन्मोत्सव, जन्मोदय या संस्कृत में आयु वर्धापन कहते हैं। जन्मदिन में किए जाने वाले विशेष कार्य आपको विशेष फलों से अनुग्रहित करने वाले होते हैं। आप अपना जन्मदिन कैसे मनाएं? शास्त्र क्या कहता है कि किस विधि से आपको अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, किन किन विशेष कार्यों को अपने जन्मदिन में करना चाहिए और किन किन कार्यों को जन्मदिन के दिन नहीं करना चाहिए। बहुत विशेष वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वह शास्त्र प्रमाणों के साथ बताऊंगा। आप विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। देखिए, हमारा शास्त्र कहता है आपको कुछ विशेष विधि के द्वारा अपना जन्मोत्सव मनाना चाहिए। केवल पार्टीज करना, केक काटना, फ्रेंड्स को बुलाना, बहुत हल्ला गुल्ला करना, डीजे में डांस करना, यह पाश्चात्य जो संस्कृति है हम लोग इनको फॉलो करते हैं। लेकिन ठहरिए, एक बार जरा अपने शास्त्रों की ओर दृष्टि डालिए कि आपके शास्त्र कैसे आपको जन्मदिन मनाने का आदेश करते हैं। मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं कि आपको अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। आदित्य पुराण के अंतर्गत एक बहुत सुंदर प्रमाण है, ध्यान पूर्वक सुनिए, जिसमें आपको 5 सूत्र प्राप्त होंगे और ये 5 सूत्र ही आपके संपूर्ण जन्मदिन को बहुत विशेष और बहुत ही दिव्य भव्य बना देते। आदित्य प्राण में लिखा हुआ है कि सर्वेश्च जन्म दिवसे स्नातो मंगलवार विहम। पहला सूत्र दिया हुआ है कि जब भी आपका जन्मदिन आता है, जन्मदिन के दिन आपने प्रातः काल जल्दी उठ जाना है और प्रातः काल जल्दी जगकर आपने स्नान ध्यान आदि करना है। जिसमें आप नहाते हैं वो नहाने की बाल्टी में आपने पीली सरसों, थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी पीली हल्दी आपने उस नहाने वाली बाल्टी में डाल देनी है और आपने उसी से मंगल स्नान करना है। स्नान आदि करने के बाद अच्छे वस्त्रों को धारण कीजिए और वस्त्रों को धारण करने के बाद दूसरा कार्य क्या करना है, तो आदित्य प्राण कहता है कि गुरु देवाग्नि विप्रांशम पूजियेतु प्रयत्नतः। अर्थात आप अपने जन्मदिन के दिन नहा धोकर दूसरा कार्य, आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आपसे वृद्ध लोग हैं, वयोवृद्ध जन है, ज्ञानी जन है, गुरु जन है, पंडित जी जन है, विप्र जन है, उन सबके चरण कमलों का आप वंदन कीजिए। विश्वास मानिए, शास्त्र कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपशेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो मनुष्य अपनों से बड़ों के पैरों का वंदन करता है, स्पर्श करता है, उसके जीवन में आयु, विद्या, बल और यश ये सदैव बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि सदैव अपने गुरुजनों के, अपने माता पिता के चरणों की वंदना जरूर कीजिए। आपके माता पिता के चरणों में ही सारे तीर्थों का वास है। सर्व तीर्थ मही माता, सर्व देव मयः पिता। सारे तीर्थ, सारे देवता माता पिता के चरणों में वास करते हैं। अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। विश्वास रखिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको एक नई दिशा देने वाला होता है। जो बड़े बड़े कार्य आपके भगवान के मंदिर में जाकर नहीं बनते, वो कार्य मात्र केवल माँ बाप के चरणों का आशीर्वाद लेने से आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जन्मदिन के दिन आशीर्वाद लेना मत भूलिए। और आदित्य प्राण में तीसरा सूत्र बताया है, स्व नक्षत्रम वित्तपम च तथा देवम प्रजापतिम। अर्थात कि जन्मदिन के दिन बड़ों की चरण वंदना आदि करने के तदुपरांत आपको अपने घर में नवग्रह पूजन करना चाहिए, नक्षत्र पूजन करना चाहिए, सप्त मातृकाओं का अर्थात घृत मात्र का पूजन करना चाहिए, पंडित जी को अपने घर में बुलाना चाहिए और बड़ी प्रेम पूर्वक अपने घर में पूजा पाठ का आयोजन करना चाहिए। इसके विषय में मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं, भविष्य पुराण के अंतर्गत है। देखिए कि प्रति संवत्सरम कुरियान मार्कंडे यश पूजनम ततो दीर्घायुषम व्यासम रामम द्रोणिम कृपम बलिम प्रहलादम च हनुमंतम विभीषण मथार्चयेत स्व नक्षत्रम जन्मतिथि प्राप्य संपूज्ये नरः। इस श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि जन्मदिन के दिन अपनी नक्षत्र पूजा, अपने नवग्रहों की पूजा, सप्त मात्र का पूजा जिसमें 7 धाराएं देते हैं घी की, वह जरूर करनी चाहिए।
चाहिए। शास्त्र कहता है हमारा कि जो जन्मदिन के दिन अपने नक्षत्रों का और अपने नवग्रहों का विशेष पूजन करता है उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। जन्मदिन के दिन जो आपकी जन्म पत्रिका है उसका पूजन भी जरूर कीजिए। ब्राह्मण के द्वारा वर्ष फल बनवाइए और वर्ष फल का पूजन कीजिए और बड़ी प्रेम पूर्वक ब्राह्मण से पूछिए कि कौन से ग्रहों का क्या प्रभाव है और उन्हीं के अनुकूल आप ग्रहों का जप और ग्रहों के प्रति दान पुण्य कीजिए। स्व नक्षत्रम अपने नक्षत्रों की पूजा ग्रहों की पूजा जन्मदिन के दिन करना अनिवार्य है। भूलिएगा नहीं आपको विशेष फल देने वाले होते हैं। और जब आप अपने घर में जन्मदिन पूजन करें तो उसे मार्कंडेय पूजन कहते हैं, अर्थात कि मार्कंडू के पुत्र थे मार्कंडेय जिनको माता पार्वती के द्वारा खूब लंबी आयु का वरदान प्राप्त हुआ था, इसलिए प्रत्येक जन्मदिन के दिन मार्कंडेय का नाम जरूर लिया जाता है। इतने नाम लिए जाते हैं तो आपने सुना कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासं हनुमांश विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेति चिरजीविनः। इन सप्त चिरंजीवियों का नाम जन्मदिन के दिन या नित्य जरूर जप करना चाहिए, इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है। और जन्मदिन के दिन आपको चौथा कार्य करना चाहिए। सूत्र कहता है सतिलम गुण समिश्र मंजल्य अर्घ्य मितम वयः। जन्मदिन के दिन आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य देना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नित्य की दिनचर्या में भी सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और जन्मदिन के दिन तो विशेष अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एक ताम्र के लोटे में आप गुड़ डालिए, दुर्वा डालिए, पीली सरसों डाल दीजिए, थोड़े से उसमें अक्षत अर्थात चावल डाल दीजिए और थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर उसको गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर लीजिए। गायत्री मंत्र का जप करके अपने आयुष मंगल कामना के हेतु सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। सूर्य पूजा जन्मदिन के दिन विशेष लाभवान्वित करने वाले होती है, इसलिए चौथा कार्य सूर्य अर्घ्य जरूर दान करना चाहिए। और पांचवा कार्य तो शास्त्र कहता है देखिए दीप दानम विदायुष्य वृद्ध्यर्थम तथा दध्या तिरान गतम। पांचवा कार्य बोले दीप दान करना चाहिए। दीप दान का अर्थ क्या होता है कि आप जितनी आयु के हो गए हैं उतने ही दीप दान आप भगवान महादेव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में, गौशाला में या पावन पवित्र पुण्य तीर्थों में या पावन पवित्र नदियों के निकट आपको जितनी आपकी आयु होगी उतने ही दीप दान करिए। गौशाला में किया गया दीप दान आपकी बुद्धि की वृद्धि करता है, शिव मंदिर में किया गया दीपदान आपकी आयु की वृद्धि करता है और नदियों के किनारे तीर्थों में किया गया दीपदान आपके जीवन की उत्तीर्णता को बढ़ाते हैं। इसलिए अपने जन्मदिन में आपको दीपदान जरूर करना चाहिए कि हम दीपदान करें, बेलपत्र के पेड़ के नीचे करें, पीपल के पेड़ के नीचे करें, बहुत अच्छी बात है। किंतु एक छोटी सी बात मेरी याद रखिएगा कि जन्मदिन के दिन आपने जलती हुई कैंडल होती हैं, मोमबत्तियां होती हैं, उसको बुझाना नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाइए। हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि हम लोग प्रकाश में रहने वाले हैं और प्रकाश में ही उत्सव मनाना चाहिए। अंधकार को बढ़ावा देकर हम लोग अपने जीवन के अंदर सूनापन लेकर कराते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं, ताली बजाते हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता है, ये हमको नहीं सीखनी है। आपको जन्मदिन के दिन दीप दान करना है, ना कि दीप निर्वाप करना है। दीप को बुझाने वाला अंधा, काणा और बहरा बनकर आता है। अतः अपने जन्मोत्सव के दिन दीपक को बुझाइए नहीं, बल्कि दीपक का प्रकाश अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिएगा। अपने जन्मदिन को और विशेष बनाने के लिए हमारा शास्त्र कहता है अपना जन्मदिन उनके साथ बनाइए जिनका कोई नहीं है। जाइए अनाथाश्रम, जाइए वृद्धाश्रम, वहां बैठकर अपना जन्मदिन मनाने का प्रयास कीजिए। संसार की वाहवाही लूटने के लिए हम लोग जन्मदिन नहीं बल्कि अपनी आयु वृद्धि के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, अपने जीवन की उत्तीर्णता के लिए हमको अपना जन्मदिन ऐसे लोगों के साथ मनाना चाहिए जिनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता। उन अनाथ बच्चों के साथ बैठिए जो इसी लालसा में बैठे रहते हैं, कोई अपना इस संसार में है या नहीं। उन
वृद्धों के साथ बैठिए जिनको वृद्धाश्रम में धकेल दिया गया, उनका बेटा बनकर आप वहां पर अपना जन्मदिन मनाने का प्रयास कीजिए। जन्मदिन के दिन अपने हाथों से वृक्षारोपण, पीपल का रोपण या किसी पावन पवित्र वृक्ष का रोपण जरूर करना है, ये भूलना नहीं है। और आपने यह भी कार्य जन्मदिन के दिन जरूर करना है, कौन सा, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और रुद्राभिषेक कर्म जरूर करना चाहिए। इसके विषय में देखिए शास्त्र ने स्पष्ट प्रमाण दिया हुआ है, मद्वाज दधि संयुक्ता दुर्वा मृत्युजयेन च जुहिया द्वे सहस्रम तु शतम अष्टोत्तरम तु वा, अर्थात कि 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, उसी का दशांश हमको छोटा सा हवन कर लेना चाहिए और रुद्राभिषेक दूध दही घी युक्त दुर्वा जल के द्वारा भगवान महादेव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। मैं आपसे यह प्रार्थना जरूर करूंगा कि अपने जन्मदिन के दिन रुद्राभिषेक शिव पूजा जरूर करनी चाहिए। अब हम यह जानते हैं कि हमको अपने जन्मदिन के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, वर्जित कार्य जो हमारा शास्त्र कहता है। सुनिए देखिए, पहला वर्जित कार्य है कि खंडनम नख केशानाम मैथुनाध्व गमो तथा आमीशम कलहम हिंसा वर्ष वृद्धो विवर्जयत, अर्थात कि जन्मदिन के दिन अपने बालों को काटना, जन्मदिन के दिन अपने नाखूनों को काटना, जन्मदिन के दिन दाढ़ी मूछ बनाना, जन्मदिन के दिन आपको मांस मदिरा का भोजन करना, इससे बचना चाहिए साहब। हम जन्मदिन के दिन क्या करते हैं, बोतलें खोलते हैं, शराब पीते हैं और शराब पिलवाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खिलाते हैं, क्या ये संस्कृति है? आप जन्मदिन का फल प्राप्त कर रहे हो या लोगों की जिंदगी और स्वयं की जिंदगी को बेकार कर रहे हो? इसलिए अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो मैं आपसे विशेष कहूंगा, जन्मदिन के दिन शराब मत पीजिए, जन्मदिन के दिन ना ही किसी को शराब पीने दीजिए, जन्मदिन के दिन नॉनवेज से दूर रहिए, गलत खान पान से बच के रहिए और कलह क्लेश जन्मदिन के दिन नहीं करना, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना जन्मदिन के दिन ही, क्या सदैव आपने अपने जीवन में इन गुणों को भी धारण करके रखना है। और हमको जन्मदिन के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है मृते जन्मन संग्राम तो श्राद्धे जन्मदिने तथा अस्पृश्य स्पर्शन चैव न साधुष्ण वारिणा, जन्मदिन के दिन किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए, जन्मदिन के दिन आपको गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात अत्यधिक गर्म पानी जन्मदिन के दिन स्नान करना वर्जित कहता है, आपको इनसे बचना चाहिए। और क्या क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है देखिए, सप्तम्याम रविवार च गृह जन्मदिने तथा मृत्युपुत्र कृत्रार्थी न कुर्यातिल तर्पण, जन्मदिन के दिन विशेष याद रखिएगा कि तिल युक्त या काले तिल से करो, जिस भी तिल से करो, लेकिन जन्मदिन के दिन तिल युक्त तर्पण अपने पितरों के लिए नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र कहता है। इस प्रकार आप अपने जन्मदिन को शास्त्र विधि के द्वारा बनाने का प्रयास कीजिए, मिसाल बन जाइए अपने जन्मदिन के दिन, ये जन्मदिन आपको बहुत सारी खुशियां दें। अंत में इन्हीं सुंदर वचनों के साथ कि यदा युष्यं चिरं देवा सप्त कल्पांत जीवसु तदुस्ते नाशायुक्ता तज्जीवेम शरदः शतम शतम जीवेम शरदः, आप लंबी आयु को जिये, सुंदर आपका जीवन हो, व्यक्तित्व हो, आपके जीवन में सदैव भगवत कृपा बनी रहे, संस्कारों से युक्त आपका जीवन हो, ऐसी सुमंगल कामना के साथ आप सभी विद्युत जनों के चरणों में मैं अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। यदि आप यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।